मेहर कॉलेज की बिल्डिंग से नियंत्रित होगा प्रशासन। नवागत कलेक्टर रानी बाटड ने किए माता शारदा के दर्शन। सुधीर अग्रवाल बनाए गए पहले SP। नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। मध्य प्रदेश के 56वें जिले मेहर शासकीय कॉलेज की बिल्डिंग प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा नियंत्रण केंद्र होगी। नए जिले में कलेक्टर SP के कार्यालय यहीं चलेंगे। शुक्रवार को यहां की पहली कलेक्टर भी मेहर पहुंच गई हैं। सतना से अलग होकर बनाए गए नए जिले मेहर की पहली कलेक्टर रानी बाटर शुक्रवार को मेहर पहुंची। उन्होंने माता शारदा के दर्शन कर मत्था टेका और पदभार ग्रहण किया। उधर राज्य शासन ने मेहर में पहले पुलिस अधीक्षक की भी पोस्टिंग के आदेश जारी कर दिए। जुलाई में राज्य पुलिस सेवा से पदोन्नत कर IPS बनाए गए सुधीर कुमार अग्रवाल को मेहर जिले का नया SP बनाया गया है। वे उपायुक्त मुख्यालय नगरीय पुलिस भोपाल में पदस्थ थे। कॉलेज भवन में दफ्तर। नए जिले मेहर के कलेक्टर SP के कार्यालय फिलहाल मेहर के शासकीय कॉलेज के भवन से चलेंगे। कॉलेज भवन में आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। नए कार्यालय भवन बनकर तैयार होने तक प्रशासनिक व्यवस्था कॉलेज की बिल्डिंग में ही चलेगी। सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा, SP आशुतोष गुप्ता एवं CEO जिला पंचायत डॉक्टर परीक्षित राव ने शुक्रवार की सुबह मेहर पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। बता दें कि नए जिले मेहर में 3 तहसीलें मेहर, अमरपाटन, रामनगर और 2 विधानसभा क्षेत्रों मेहर एवं अमरपाटन शामिल हैं। फिलहाल 245 ग्राम पंचायतों वाले मेहर जिले में 3 जनपद पंचायतों के 67 और जिला पंचायत के 10 वार्ड हैं। यहां 1 नगर पालिका और 2 नगर परिषद हैं। मेहर में राजस्व अनुभाग तो 3 होंगे, लेकिन पुलिस अनुभाग अभी सिर्फ 1 ही है। मेहर जिले में फिलहाल 7 थाने हैं। सतना कलेक्टर रहेंगे शारदा प्रबंध समिति के अध्यक्ष। अब तक सतना जिले की पहचान रही माता शारदा का मंदिर भले ही अब सतना से अलग हुए मेहर जिले का हिस्सा है, लेकिन इस मंदिर की प्रबंध समिति के अध्यक्ष सतना कलेक्टर ही होंगे। मुकुंदपुर टाइगर सफारी, मार्कंडे आश्रम, गिद्धकूट पर्वत जैसे स्थान भी अब सतना से अलग हो गए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।